तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ। आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले मैदान वर्सेस बड़े मियाँ छोटे मियाँ। कई सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपने प्रोडक्शन नहीं करा डे वन का। दोस्तों आज की वीडियो में आपको डे वन का प्रोडक्शन बताने वाला हूँ। मैदान मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है दोस्तों, बाकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ कितना कलेक्शन कर सकते हैं डे वन का, ओवरसीज़ में कितना करेगी, बाकी दोस्तों यहाँ पर इंडिया में कितना कितना करके, इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों के बारे में कई सारी अपडेट देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों दोस्तों आप सबको तो पता है कि मैदान मूवी को डायरेक्टर करने वाले भाई अमित शर्मा, और दोस्तों वहीं बड़े मियां छोटे मियां को डायरेक्ट करने वाले दोस्तों अली अब्बास जफर, जो कि सलमान खान के फेवरेट डायरेक्टर बोल सकते हैं इसे, जो कि जिन्होंने सलमान खान के साथ टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि अली अब्बास जफर दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस में अपनी बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर दोस्तों मेकर इस तरह की बातें बता रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म लिख के ले लो छोटे मियाँ 1100 करोड़ कमाएगी। भाई साहब ये तो नामुमकिन है भाई कमाना, क्योंकि भाई 1100 करोड़ कमाने के लिए 1100 करोड़ का भाई एक्टर भी होना चाहिए दोस्तों। टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार दोस्तों भाई साहब 1100 करोड़ के एक्टर नहीं है, क्योंकि भाई इसमें जो नाम जुड़ता है शाहरुख खान का नाम जुड़ता है, आमिर खान का नाम जुड़ता है, रजनीकांत का नाम जुड़ता है, अल्लू अर्जुन का नाम जुड़ता है और दोस्तों प्रभास का नाम जुड़ता है। दोस्तों भाई साहब 1100 करोड़ कमाने के लिए, दोस्तों भाई 1100 करोड़ कमाने के लिए 1100 करोड़ वाला एक्टर होना चाहिए। दोस्तों अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी ने तकरीबन 2 करोड़ की ओपनिंग उठाई थी। अगर भाई कोई एक्टर 2 करोड़ की ओपनिंग उठाता है दोस्तों, 1100 करोड़ की तुलना दोस्तों कौन कर सकता है भाई साहब, यहां पर देखा जाए तो। दोस्तों आप सबको तो पता है कि बड़े मियां छोटे मियां की एडवांस बुकिंग मैदान से काफ़ी आगे चल रही है दोस्तों, तकरीबन 50% आगे चल रही है। अगर बड़े मियां छोटे मियां की एडवांस बुकिंग 40 लाख है, तो वहीं मैदान मूवी की दोस्तों 20 लाख के करीब दोस्तों एडवांस बुकिंग है। इसकी वजह यह है कि भाई मैदान मूवी सिर्फ हिंदी 2D में रिलीज़ करी जा रही है, बाकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी दोस्तों सारे थिएटरों के अंदर दोस्तों थोड़े थोड़े स्क्रीन लेकर भाई बैठी हुई, इस तरह से बातें बताई जा रही हैं कि दोस्तों यही वजह बड़े में या छोटे में कि अचानक से एडवांस बुकिंग में ग्रोथ मानना भाई साहब यहां पर देखा जाए तो। दोस्तों ओवरसीज़ की बात करें, ओवरसीज़ के अंदर बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बाकी मैदान मूवी की बात करें दोस्तों, मैदान मूवी भी ओवरसीज़ मार्केट के अंदर काफ़ी तगड़ा दोस्तों परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ पर देखा जाए तो। और दोस्तों दोनों फिल्मों का जो प्रमोशन है वो दोनों फिल्मों का ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों बुक माई शो की बात करें, बुक माई शो पर दोस्तों दोनों के फैंस सेम शहर दोस्तों मैंने अभी देखा है, क्योंकि भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो इंटरेस्ट है 1,11,300 है, वही मैदान मूवी का जो इंटरेस्ट है 1,11,300 दोस्तों। कहने का मतलब है कि भाई दोनों का जो इंटरेस्ट है बुक माई शो पर सेम सा है दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भाई डे वन के अंदर कितना कलेक्शन कर सकती है बड़े मियां छोटे मियां। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो अगर इसकी ओपनिंग मतलब डे वन की जो एडवांस बुकिंग है तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपये हो गई, पहली बार तो इतना होगी नहीं, लेकिन दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के बीच में इसकी डे वन की एडवांस बुकिंग हो सकती है दोस्तों। वो भी अगर भाई 2.5 से 3 करोड़ के बीच में इसकी एडवांस बुकिंग हो गई तो ये मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन दोस्तों 14 करोड़ से लेके 15 करोड़ के बीच में दोस्तों ओपनिंग आसानी से उठा लेगी। मेकर्स कह रहे हैं कि भाई हमारी मूवी पहले दिन 30 करोड़ से ज़्यादा उठाएगी, भाई बाबूजी का ठुल्लू। फिलहाल दोस्तों अब बात करते हैं भाई मैदान मूवी की, मैदान मूवी की जो एडवांस बुकिंग होगी लास्ट तक दोस्तों, मतलब कि 9 अप्रैल तक जो लास्ट एडवांस बुकिंग होगी दोस्तों, तकरीबन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है 90 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में इसकी एडवांस बुकिंग हो जाएगी दोस्तों, 1.5 तक भी पहुँच सकती है मूवी। ये मूवी जो पहले डे वन की जो कलेक्शन मतलब ओपनिंग उठाएगी, डे वन का जो कलेक्शन इसका रहेगा तकरीबन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 11 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में दोस्तों डे वन के अंदर ये कलेक्शन करेगी 100% दोस्तों। और दोस्तों ओवरसीज़ की बात करें, ओवरसीज़ में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भाई मैदान मूवी एक स्पोर्ट फिल्म है, और दोस्तों यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो बाहर के देश लोग हैं दोस्तों भाई वो मैदान मूवी पर ज़्यादा झुकाव रहेगा, क्योंकि भाई बाहर जो ओवरसीज़ मार्केट है वो दोस्तों स्पोर्ट को ज़्यादा मोहब्बत करती है प्यार करती है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो कोई क्रिकेट की फिल्म आ जाए या कोई हॉकी की फिल्म आ जाए, यहाँ दोस्तों देखा जाए तो कोई फुटबॉल की फिल्म आ जाए दोस्तों, भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो ओवरसीज़ मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा कलेक्शन लेकर आती है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है तकरीबन ये ओवरसीज़ मार्केट से दोनों फिल्में 3 से 4 करोड़ रुपए बड़े मियां छोटे मियां, और दोस्तों यहां पर देखा जाए तो मैदान मूवी भी 2.5 से 3 करोड़ के बीच में दोस्तों डे वन के अंदर कलेक्शन कर लेगी। कहने का मतलब है कि बड़े मियां छोटे मियां का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे वन का होने वाला तकरीबन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई 17 से 18 करोड़ के बीच में डे वन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन
कमाएगी दोस्तों ऑन टिकट विंडो। बाकी यहाँ पर मैदान मूवी की बात करें तकरीबन ये 15 करोड़ के आसपास का डे वन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगी। बाकी हमारे बारे हमारा तो यही प्रोडक्शन है, और आपका प्रोडक्शन क्या दोस्तों कमेंट बॉक्स भर दें। बाकी देखते हैं भाई कौन सी मूवी किस पर हैवी रहेगी, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप कौन सी मूवी को सपोर्ट करने वाले हैं भाई साहब, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नए दड़